हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं टर्मरिक के कुछ बेनिफिट्स, हल्दी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हल्दी का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। आज हम मेनली बात करेंगे कि हल्दी का यूज़ जो हम अपने स्किन के लिए कैसे कर सकते हैं, हमारे स्किन के लिए ये कैसे बेनिफिट है। मेनली हम बात करने जा रहे हैं कि हम हेयर्स के लिए जो है कैसे हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे कहीं चोट लगी है तो उसके लिए हम कैसे हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, या हमें कफिंग की प्रॉब्लम है, कॉमन कोल्ड हमारा बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो उससे क्या होता है हमारे थ्रॉट में प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हल्दी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है अगर हमारे दांतों में दर्द है या और भी कोई भी प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया लग रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम कैसे हल्दी यूज़ करेंगे, और भी उसके अलावा हल्दी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, हल्दी कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि कितने अमाउंट में और किस समय कैसे हल्दी खाना चाहिए। हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहले के लोग कभी भी चोट लगती थी या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते थे, हल्दी का ही यूज़ करते थे, क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है या फिर अदर और कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो अगर आप अपने खाने में हल्दी का यूज़ नहीं करते हैं तो आज से ही हल्दी का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, या आप हल्दी वाला दूध भी रात में डेली पी सकते हैं, उसके साथ आप सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, हर रेसिपी में एक प्रॉपर अमाउंट में हल्दी का यूज़ ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग होते हैं सब्जियों में या दाल में हल्दी नहीं डालते हैं, इससे आपको जो है हल्दी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो हल्दी जरूर ही से ज़रूर डालिए और एक प्रॉपर अमाउंट में डालिए, जिससे आपको उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहले हम हल्दी के बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि हल्दी के बेनिफिट्स या हल्दी हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो हल्दी से मिलकर बने हुए होते हैं। अब उनको यूज़ करने से अच्छा आप अपने घर में ही कोई ऐसा पेस्ट बना लीजिए, उसका यूज़ करके उसे अपने फेस पे अप्लाई करिए, तब देखिए आपके फेस पे एक चमक रहती है, एक ग्लो रहेगी, और वो ग्लो जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हल्दी एक प्रकार का नेचुरल प्रोडक्ट है। बाकी जो हम मेकअप प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आते हैं उसमें हल्दी का तो अमाउंट बहुत ही कम होता है, बस नाम मात्र होता है, नाम रहता कि हाँ ये हल्दी से बना हुआ है, बल्कि में और भी बहुत सारे केमिकल मिक्सअप करके उसे बनाया जाता है, जो हमारे फेस की ब्यूटी को, फेस की शाइनिंग को कम कर देता है। उसको यूज़ करने से अच्छा आज हम आपके साथ एक ऐसे पेस्ट के बारे में शेयर करने जा रहे हैं, उसका यूज़ करके तब देखिए आपके फेस पे क्या ग्लो आता है। उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना है 1 टेबल स्पून बेसन लेना है, घर पर आप खुद ही बेसन को पीस के ले सकते हैं, और उसमें आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून दही, मतलब 1 चम्मच बेसन लेना है, उसमें 2 चम्मच आपको दही ऐड करनी है, उसके बाद उसमें आपको आधी चम्मच ये चुटकी भर जो है क्या करना है, हल्दी डालना है। हल्दी के बाद आपको उसमें जो है 1/2 टेबल स्पून हनी डालना है। इन चारों चीज़ों को प्रॉपरली जितना अमाउंट बताया है उस अमाउंट में डाल के अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। हल्दी मार्केट से लाकर वो हल्दी नहीं लेनी है, जो साबुत हल्दी मिलती है उसे लेके आइए, उसे सुखवा लीजिए। सुखाने के बाद आप अपने सामने जो है जाइए कहीं पे भी, वहाँ पे पिसवा लीजिए, वहाँ से लेके आइए, आप खुद ही अपने मिक्सर में पीस सकते हैं। पीसने के बाद उसे अलग से रख लीजिए, क्योंकि जो मार्केट की हल्दी मिलती है वो बिल्कुल प्योर नहीं होती है। अगर वो प्योर नहीं होगी मे भी आपके स्किन को डैमेज भी कर सकती है, इसीलिए इन सभी चीज़ों की अच्छे से केयर करनी है। तो चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसे अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप नॉर्मल वाटर से जो है अपने फेस को प्रॉपरली धुल लीजिए। धुलने के बाद जो है तब देखिए आपके फेस पे एक शाइनिंग रहेगी, एक चमक रहेगी। ये एक ऐसी ग्लो रहती है, मतलब ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है
और जो फेस पे डस्ट पार्टिकल होंगे उसे वो रिमूव कर देगा। अगर आपको पिंपल, एक्ने या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट से अच्छा जो है ये ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको हम अपने फेस पे लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसे अपने मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाइए, तब देखिए आपके फेस पे एक शाइनिंग रहती। तो ये तो हो गया स्किन के लिए। अगर आपके बाल टूट रहे हैं या फिर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हल्दी के अंदर करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, जिससे जो है हल्दी के और भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। तो आपको हेयर के लिए कैसे करना है, पहले तो आपको आधा चम्मच सिर्फ और सिर्फ हल्दी लेना। हल्दी का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो वो नुकसान होगा आपके लिए। उसके बाद आपको क्या लेना है, कोकोनट ऑयल। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर आपको आधा चम्मच हल्दी डालना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने अच्छे से स्कल में लगा लीजिए, जड़ में लगाना है आपको। तो जड़ में आपने अच्छे से लगा लिया तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके बालों में मे बी फंगस की ग्रोथ हो रही है, उसके लिए आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो आज से ही हल्दी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो हो गया हेयर के लिए। उसके साथ साथ आपके बाल भी पूरी जड़ से मजबूत हो जाएंगे, बालों में शाइनिंग रहेगी। तो मेन तो अपने बालों को जड़ से ही मजबूत करना है। बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे जब बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे, ना तो टूटेंगे ना तो जो है सफ़ेद होंगे। तो ये हेयर के लिए भी आप हल्दी का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है, अगर आपकी दांतों में प्रॉब्लम है, दांतों में दर्द हो रहा है या दांत आपके पीले हो चुके हैं, उसके लिए आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या लेना है, आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी, एकदम चुटकी भर की हल्दी लेनी है, और उसमें थोड़ा सा एकदम मतलब थोड़ा सा बहुत ही जितना आपने हल्दी लिया है उसी अमाउंट में आपको लेना है सेंधा नमक। उसके बाद और फिर क्या लेना है, 1 टेबल स्पून आपको मस्टर्ड लेना है। दोनों चीज़ों को उस सरसों के तेल में मिला देना। मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अपने ब्रश में लगाइए। ब्रश में लगाने जैसे आप ब्रश करते हैं उसी तरीके से आप ब्रश कर लीजिए। देखिए अगर दांतों में दर्द है वो दर्द मतलब बहुत जल्दी आप उससे रिलीफ पा लेंगे, या अगर आपके दांत जो है पीले हो गए हैं, को बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है यूज़ करने से हमारे दांतों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे आपके दांत ख़राब हो चुके हैं। दांत साफ कराने से अच्छा है कि आप घर पे ही ऐसे ट्रीटमेंट का यूज़ करिए। तो आप दांतों को ऐसे ब्रश से रब कर लीजिए, तब देखिए जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रश करने से अच्छा है कि आप उसे उंगली से लीजिए और वहाँ पे उंगली से आपको ब्रश करना है। इससे जो भी टीथ की प्रॉब्लम होगी सारी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हल्दी का यूज़ अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। अगला जो है, अगर आपको चोट लगी है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए आप हल्दी का यूज़ कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना है, पानी लेना थोड़ा सा, उसके अंदर हल्दी डाल देना, और फिर उसके बाद जहाँ भी चोट लगी है अच्छे से उस सरफेस को धुल लीजिए। धुलने से क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया, फंगस या अदर और जो भी पैथोजन की ग्रोथ हो रही होगी वो सारे ग्रोथ क्या होगी, उनकी स्टॉप हो जाएगी, जिससे हमारा जो घाव है या इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये तो हो गया हल्दी का यूज़ आप अपने चोटों के लिए कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग होते हैं कफिंग की प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती आ रही है फिर भी वो नहीं ठीक हो रही, बहुत सारे सिरप का यूज़ कर ले फिर भी नहीं ठीक हो रही, या कॉमन कोल्ड जुकाम होता है तब भी हमारे थ्रॉट में हमें प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब अगर आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हल्दी का यूज़ करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको पानी लेना है, पानी के अंदर छूट मतलब बहुत ही कम जो है आपको हल्दी डालना है, और उसमें जो है थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लीजिए, नॉर्मल मतलब एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उससे थोड़ा सा गरारा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप डेली दिन में एक बार ही हल्दी के पानी से गरारा करते हैं तो आपके गले में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खांसी भी सही जल्दी ठीक हो जाएगी, या कफिंग की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी।
ये तो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हो गए कि हम स्किन के लिए, मेनली हेयर के लिए, चोट लगी है दांतों के लिए, या अदर भी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हल्दी का यूज़ कैसे करें। तो अगर आपके साथ भी इन समय से कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेनली हमने स्किन के लिए पेस्ट बताया है उसका यूज़ करिए। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर भर भर के केमिकल मिलाए जाते हैं, और अगर आप वही केमिकल लगाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि फेस बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और भी जो भी प्रॉब्लम होती है सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा आप हमारे नेचर ने जो हमें चीज़ें दी हैं उनका यूज़ करें, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी चोट लगी है उसके लिए भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते, मतलब हल्दी की जितनी भी तारीफ की जाए या जितनी भी उसके बेनिफिट्स बताए जाए वो सारे बेनिफिट्स हैं, कम ही हैं, क्योंकि हल्दी के बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं हल्दी के, सबसे पहला जो हो गया वो है नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर। मतलब हल्दी जो है ब्लड की प्यूरिफिकेशन में हेल्पफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है हल्दी का यूज़ आपको जरूर से जरूर करना है। आप सब्जी बना रहे, दाल बना रहे, कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, हर रेसिपी में आप हल्दी डाल सकते हैं। ये तो आपके लिए फायदेमंद भी होगा, उसके साथ साथ उसके अंदर का जो कलर होगा, उसका जो फ्लेवर होगा, खाने का जो टेस्ट होगा, वो सब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वो है इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है और मतलब प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो है कहीं पर क्लॉटिंग हो रही है, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इसके लिए भी आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ताकि आर्टरीज में ब्लॉकेज ना आए। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूस द बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल से ही तो हमें हार्ट अटैक आता है, या फिर हमारे हार्ट में और भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अगर आप हल्दी का यूज़ करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं। तो अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू यूज हल्दी। आपको हल्दी जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट इज ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया, करक्यूमिन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, लीवर को भी डिटॉक्स करता है। लीवर अगर हमारा डिटॉक्स रहेगा, साफ रहेगा एकदम, तो वो क्या कर पाएगा, बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते तभी तो उसे रिलीज कर पाएगा। जब वही नहीं साफ सुथरा रहेगा, उसी के अंदर गंदगी होगी, तो वो किसी भी चीज़ को डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपने लीवर को डिटॉक्स जरूर से जरूर करने के लिए आप हल्दी का यूज आज से स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बेनिफिट है इंक्रीज द बाइल। ये बाइल सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। जब आपका लीवर डिटॉक्स होगा, लीवर हेल्दी रहेगा, तो बॉडी के हर एक ऑर्गन हेल्दी रहेंगे हल्दी का यूज करने से। तो ये बाइल सिक्रीशन को भी बढ़ाएगा। अथराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपके घुटने में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो अथराइटिस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो जिसके भी साथ अथराइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको भी अथराइटिस की प्रॉब्लम है, वो हल्दी का यूज कर सकता है। कैसे करना है लास्ट में बताते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, आप डायबिटिक पेशेंट है, तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ रहा है बॉडी में, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज सिक्रीशन में मदद करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखता है, जिससे जो है बहुत ही जल्द हमें आराम मिलता है। अगला बेनिफिट है वो है किल द कैंसीरियस सेल। जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं उन्हें मारता है, जिससे जो है आप खुद को कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैंसीरियस सेल को किल करने का भी काम हल्दी करता है। लास्ट बेनिफिट है वो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बस अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको जितनी भी हेल्दी बैलेंस डाइट होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन हेल्दी रहेगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन फिट एंड फाइन रहेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसे कॉमन बेनिफिट्स थे जिनका हम मतलब हल्दी का यूज करके ये सारे बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। अब हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में हमने जान लिया, हल्दी यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप हल्दी को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको हाफ टेबल स्पून हल्दी लेना है, और उसके बाद
आपको सिर्फ और सिर्फ एक कप पानी लेना है। एक कप पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के बॉईल कर देना है। जब वो अच्छे से एकदम बढ़िया से बॉईल हो जाए फिर उसे छान लीजिए। छानने के बाद आप उस हल्दी वाले पानी को पी लीजिए। अगर आप हल्दी वाला पानी दिन में एक बार पीते हैं तो समझ जाइए आपको उससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। उसके साथ साथ आप जो है जैसे भी हल्दी का यूज़ कर सके, मतलब जितने भी तरीके से हल्दी का यूज़ कर सके उतने तरीके से हल्दी का यूज़ जरूर से ज़रूर करिए। और उसके एक और मतलब यूज़ करने का तरीका है, वो है आप रात में हल्दी वाला दूध पीकर भी सो सकते हैं। इससे भी आपको नींद अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपरली होगा। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए, नींद अच्छी लाने के लिए भी आप हल्दी वाला दूध पीकर सो सकते हैं। तो आज से इन दो तरीके से हल्दी का यूज़ करिए और ये जो भी कॉमन प्रॉब्लम बताई है, सरप्राइजिंग बेनिफिट्स बताएं हल्दी के, अगर ये सारी प्रॉब्लम है हेयर के लिए, स्किन के लिए, चोट के लिए, कहीं चोट लगी है, दांतों में दर्द है, उसके लिए भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही अपने लाइफ में हल्दी को ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए और इतने सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिलेंगे। तो हल्दी का यूज़ करके आप खुद को जो है डिजीज़ फ्री रख सकते हैं, खुद को हेल्दी रख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।